टॉप 10 में शामिल अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फाइनेंस कर्मी के साथ लूट इस घटना को दिया था अंजाम। बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान पुलिस ने टॉप 10 में शामिल अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पूरी घटना सिवान जिले से बताई जा रही है, जहां सिवान जिले के दरौंदा थाना परिसर में मंगलवार को सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शैलेश कुमार सिन्हा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बाल मगरा के गौरीशंकर माझी का लड़का अभिषेक कुमार टॉप 10 अपराधी में शामिल है। उन्होंने कहा कि विगत दिन दरौंदा थाना क्षेत्र के चिंतामणपुर के समीप रेलवे ढाला के पास से उत्कर्ष फाइनेंस कर्मी से एक मोटरसाइकिल कंपनी का टैप एवं एक बैग जिसमें 38,300 रुपया नकद मोबाइल लूट लिया था। इस मामले में तीन अपराधी को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, जो गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार अपराधकर्मी दरौंदा थाना क्षेत्र के ही बाल बंगरा गांव के सब्बू हुसैन के लड़के राजन हुसैन व अशरफ अली का लड़का समीर अंसारी उर्फ नवाज आलम तथा सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के हनुमानगंज केसरी तिवारी टोला के प्रमोद तिवारी का लड़का प्रिंस तिवारी है। तीनों पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं के साथ कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है। इस टॉप 10 अपराधी अभिषेक कुमार को पकड़ने के लिए डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने टीम गठित किया था, जिसमें एसआई बिरजू कुमार, एसआई राजशेखर, एसआई स्मिता कुमारी, वहीं दरौंदा थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर भी शामिल थे। जिसने बुधवार को दोपहर में मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए उनके घर बाल मंगरा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूरी कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार घटना के बाद खुद थाना अध्यक्ष के साथ जो थाने में पदस्थापित एसआई है बिरजू कुमार, राजशेखर, एसआई स्मिता कुमारी, तमाम लोग अपराधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इस घटना के बताते चले कि पूरी घटना जो है दरौंदा थाना क्षेत्र में घटी हुई थी, जहां पे कुछ दिन पहले एक उत्कर्ष फाइनेंस कर्मी के साथ अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूट इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और इसमें शामिल एक अपराधी जो फरार चल रहा था, जो बाल मंगरा के गौरीशंकर माझी का लड़का अभिषेक कुमार था, जो टॉप 10 में शामिल है, उसको पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार का न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूरी बात की जानकारी सिवान के पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा ने दिया है।